नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की बड़ी खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश भर में साहित्य के क्षेत्र में बिहार ने दर्ज किया रिकॉर्ड। मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। कोरोना को लेकर सरकार आई अलर्ट मोड पर। राज्य में 48 घंटे के भीतर आंधी बारिश की संभावना। 100 से अधिक शहरी निकाय के गठन का रास्ता साफ। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। आने वाले दिनों में मछली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर होगा और आंध्र प्रदेश पर मछली के मामले में निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही मछुआरा समुदाय और मत्स्य पालकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। दरअसल इन बातों का दावा सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया है। बीते दिन अपने कटिहार दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कटिहार समाहरणालय में मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के तहत 14 लाभुकों और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 16 लाभुकों को अनुदानित वाहन का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार की योजनाओं से आने वाले दिनों में राज्य के मल्ला समाज के लोगों की दिशा और दशा बदलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से सभी प्रमुख स्थानों पर मछली बाजार को विकसित करने की व्यवस्था की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने निकाली रिक्तियां। ICFRI के तहत शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन LDC फॉरेस्ट गार्ड व MTS के 18 रिक्त पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास, ITI की डिग्री, टाइपिंग या रसायन विज्ञान से बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afri.icfre.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल 2021 है। इसके साथ ही आप विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार की अनामिका बनी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार के दो साहित्यकार ने परचम लहराया। मुजफ्फरपुर की अनामिका और मधुबनी निवासी कमलकांत झा को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वहीं गौरव की बात यह है कि इसके साथ ही अनामिका देश की पहली महिला बन गई है जिन्हें हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्हें यह सम्मान उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। इसके अलावा उन्हें राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान भारत भूषण अग्रवाल व केदार सम्मान भी मिल चुका है। मुजफ्फरपुर के रहने वाली अनामिका फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के सरस्वती कॉलेज में अध्यापन का काम कर रही है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों साहित्यकारों को शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर बिहार सरकार हुई अलर्ट। देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ होली के दौरान दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बिहार आएंगे। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में कोरोना जांच की गति को तेज करने का निर्णय किया है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों की रैंडम कोरोना जांच की जाएगी। इसके अनुसार सभी 38 जिलों में टीम बनाकर इन जगहों पर रैंडम जांच और RT-PCR की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने खासकर पटना, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित वैसे जिलों में विशेष तौर पर रैंडम जांच के निर्देश दिए हैं जहां से ट्रेनें खुलती हैं और वापस होती हैं। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्त नजर रहेगी। राज्य में आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार। बीते दिनों धूप की तेज तपिश से राजधानी पटना सहित सूबे के अन्य जिलों में लोगों को आज कुछ राहत मिली। बीते रोज जहां दिन भर कड़ी धूप रही वहीं शाम ढलते ही आसमान में बादल घिराए। वहीं आज सुबह भी तेज ठंडी हवाओं के साथ आसमान बादलों से घिरा रहा। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अनुसार आज शनिवार और रविवार को पटना सहित लगभग पूरे बिहार में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। विभाग के मुताबिक एक ट्रफ लाइन मध्य उत्तर प्रदेश से मध्य बिहार होकर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन वजहों से सूबे में आंधी, आकाशीय बिजली और गरज तड़क के साथ हल्की बारिश होने का अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में कल से दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी। देश भर में बैंक यूनियनों के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इन दो दिनों में बैंक से संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। देश भर के बैंकों को निजीकरण करने के विरोध में यह हड़ताल किया जा रहा है। वहीं इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए बिहार के कई जिला मुख्यालय में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान राज्य के लाखों कर्मियों ने हड़ताल पर बैठने का मूड बना लिया है। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। बैंक यूनियन के नेताओं ने दो टूक कहा है कि हड़ताल के दौरान उपभोक्ताओं को जो भी परेशानी होती है उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हड़ताल को लेकर सरकार को पूर्व से सूचना दे दी गई है। तेजस्वी के थका हुआ मुख्यमंत्री वाले बयान पर सूमो का पलटवार। RJD नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर ही अपने बयानों से CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आते हैं।
वहीं इस बार उन्होंने एक बयान में नीतीश कुमार को थका हुआ, बेबस, मजबूर और देश का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया, तो इस पर सत्ता पक्ष के खेमे में भी पलटवार का दौर शुरू हो गया। इस क्रम में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव का जिक्र कर तेजस्वी पर पलटवार किया। सुशील मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी से पूछा कि चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित लालू आखिर किस मजबूरी में पिछले 25 सालों से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। मोदी ने कहा कि लालू खुद मजबूर, कमजोर और हालात से थक चुके हैं, लेकिन तेजस्वी 16 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। राज्य में घोड़े और खच्चर पशुओं के आएंगे अच्छे दिन। बिहार में घोड़े और खच्चर के दिन अब बहुरेंगे। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और ब्रुक इंडिया के बीच इसे लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय और ब्रुक इंडिया साथ मिलकर राज्य भर में घोड़े और खच्चर के स्वास्थ्य कल्याण के लिए काम करेगी और जो लोग इन पशुओं के द्वारा रोजगार से जुड़े हैं उन्हें पशु स्वास्थ्य संबंधित सलाह और चिकित्सा उपलब्ध कराएंगी। साथ ही घोड़े और खच्चरों की समय समय पर वैक्सीन और जरूरी सलाह इत्यादि के लिए ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि ब्रुक इंडिया एक फॉर प्रॉफिट संस्थान है जो पशु कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत है और देश में व्यावसायिक तौर पर उपयोग में लाए जाने वाले घोड़े और खच्चर के कल्याण के लिए कार्य करती है। राज्य में नए शहरी निकाय के गठन की अधिसूचना जारी। शहरीकरण की दिशा में बिहार सरकार ने 117 नए निकायों के गठन का फैसला लिया था, जिसको लेकर दावा आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें से 100 से अधिक निकायों के गठन की फाइनल अधिसूचना जारी हो गई है। आपको बता दें कि नए शहरी निकाय बनने के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति और भी तेज होगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2020 में कैबिनेट की विशेष बैठक में 117 नए शहरी निकायों को मंजूरी दी थी। इनमें 109 नई नगर पंचायतें और 8 ऐसी नगर परिषद शामिल हैं जिन्हें सीधे ग्राम पंचायत से परिषद बनाया गया था। वहीं सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया गया था। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन। छात्र छात्राओं की किसी भी तरह की समस्याओं के निवारण के लिए मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के सभी 74 कॉलेज में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। हर समिति में 6 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष व कॉलेज के 4 शिक्षक के साथ ही एक एनजीओ के सदस्य भी शामिल होंगे। इसके तहत समिति के अध्यक्षों को आज राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सदस्य ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान बताया गया कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं की शिकायत और समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाना चाहिए। सीएसबीसी ने जारी किया परिवहन चलंत दस्ता सिपाही का फाइनल रिजल्ट। केंद्रीय चयन परिषद ने परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी है। इसके तहत 496 पदों में से 465 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों के रिजल्ट को परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दें कि चलंत दस्ता सिपाही के 496 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया साल 2019 में शुरू हुई थी। इसमें से अनुसूचित जाति के 16 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की कोटी में 15 रिक्तियां शेष रह गई थी। इसके लिए 2 फरवरी 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। पटना के डीएम और एसएसपी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना। राजधानी पटना की एक निचली अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पटना जिला प्रशासन की तरफ से 20 साल पुराने एक मामले में एक गवाह की पेशी 8 साल से कोर्ट में नहीं हो सकी, जिसके कारण कोर्ट अब इन अधिकारियों से जुर्माना वसूलेगी। इसके तहत राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि डीएम और एसएसपी के वेतन से जुर्माने की राशि काटी जाए और मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे जमा कराया जाए। विधानसभा में फिर गूंजा मंत्री के यहां शराब बरामदगी का मामला। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही आज एक बार फिर विपक्षी दलों ने मंत्री रामसूरत राय का मामला उठाया। इस दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। तेजस्वी ने दोनों हाथ में मंत्री की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि जिस स्कूल से शराब की बरामदगी हुई है इसे मंत्री रामसूरत राय सीधे जुड़े हुए हैं। वह स्कूल मंत्री का ही है और शराब मामले में वह और उनके भाई सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं इस पर सदन के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विचार करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार में राजस्व मंत्री रामसूरत राय पर विपक्ष ने अवैध शराब का कारोबार का आरोप लगाया है और उन्हें बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। तनुश्री दत्ता ने वीडियो के जरिए दिखाया अपना ट्रांसफॉर्मेशन। 36 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने पिछले ही साल अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने काफी कम समय में बहुत सारा वजन कम कर लिया था और अब एक बार फिर वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बन गई है। इस बार तनुश्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लेटेस्ट डांस वीडियो अपलोड किया जिसमें उनका वेट पहले की तुलना में काफी कम लग रहा है। बता दें कि तनुश्री दत्ता ने साल 2005 में आशिक बनाया अपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। तनुश्री ने साल 2018 में नाना पाटेकर के खिलाफ मीटू अभियान के तहत गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं आरोप लगाने के बाद वे अपने प्रोफेशन को ना चेंज करते हुए फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस आने का फैसला किया था।
बल्लेबाजी में फ्लॉप होने पर फील्डिंग से दिल जीत गए केएल राहुल। अहमदाबाद में बीते दिन इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में श्रेयस अय्यर के अलावा किसी भी भारतीय बल्लेबाज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस मैच में केएल राहुल भी बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए, मगर उन्होंने इंग्लैंड की पारी के दौरान फील्डिंग से अपने फैंस का दिल जीत दिया। इस दौरान उनके एक कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुद भी बाउंड्री के बाहर गिरते हुए 4 रन बचा लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार गांव का शहरीकरण करने से वहां के आम जीवन में कौन कौन से बदलाव आएंगे। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।